गारियरवारा में खुला सर्व सुविधा युक्त लाइफलाइन हॉस्पिटल। लाइफलाइन हॉस्पिटल का शुभारंभ स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। गारियरवारा बल्लभ मार्केट में लाइफलाइन हॉस्पिटल का स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसकी क्षेत्र की जनता को काफी समय से आवश्यकता थी। मुख्य अतिथि राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों के इलाज के लिए सराहनीय कदम की प्रशंसा करते हुए पूरी टीम और डॉक्टर को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व विधायक स्थापक ने बधाई देते हुए कहा कि गारियरवारा को लंबे समय से ऐसे ही हॉस्पिटल की आवश्यकता थी, जो आज पूरी हुई है। उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इलाज करने की बात कही, साथ ही जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं लाइफलाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा महोबिया ने कहा कि हमारा प्रयास 24 घंटे अच्छे से अच्छे इलाज मुहैया कराया जाए। मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री उदय प्रताप सिंह, पूर्व विधायक साधना स्थापक गारियरवारा नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्र, डॉक्टर आशीष चंद्र, डॉक्टर पुष्पलता महोविया, डॉक्टर राकेश बौरे, जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी नरसिंहपुर, समस्त स्टाफ, नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। अभिनंदन करते हैं माननीय राव उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री का स्वागत। आज मेरे माता पिता ईश्वर एवं आप सभी के सहयोग से यह संभव हो पाया है, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में हमने 24 घंटे आईसीयू की फैसिलिटी, इमरजेंसी फैसिलिटी दी है। गारियरवारा के लोगों में थोड़ा सा एक परेशानी थी कि डायलिसिस के लिए बहुत लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, तो हमने डायलिसिस की यूनिट भी स्टार्ट की है और इमरजेंसी हॉस्पिटल गारियरवारा जब तक अपना 100% वार्ड बॉय से लेके वार्ड बॉय से लेके सीनियर डॉक्टर तक जब तक 100% नहीं देता, तब तक हॉस्पिटल सफल नहीं होता। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका हिस्सेदारी होगी इस हॉस्पिटल में, और गारियरवारा के पेशेंट्स को ईश्वर करे कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमारी कह के नहीं आती। और डॉक्टर बहुत का काम है हॉस्पिटल, और खोलना बहुत आसान है क्योंकि खुल तो पैसे से जाती है, लेकिन इसको चलाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका पूरा एक आपका कमिटमेंट, और उसके बाद में पेशेंट्स का डॉक्टर के प्रति भरोसा, ये दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब एक सफल हॉस्पिटल आगे बढ़ता है। और डॉक्टर महोबिया जी, आपने स्वाभाविक रूप से लोगों का भरोसा जीता है, काम करते हुए आपको काफ़ी समय भी हो गया, और एक डॉक्टर्स की पूरी टीम जब यहाँ काम करेगी तो स्वाभाविक रूप से जैसे बीमार व्यक्ति होता है, क्योंकि सामान्य बुखार सर्दी इसमें तो कहीं भी आप इलाज कराना है, क्योंकि इस भौतिक युग में स्वाभाविक रूप से पैसे के लिए हर व्यक्ति काम करता है, करना भी चाहिए, क्योंकि बगैर पैसे के इस संसार में कुछ नहीं। लेकिन उसके साथ आपका सेवा का भाव और जुड़ जाता है तो समाज में एक आप आदर के पात्र हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से आपने एक अच्छा काम यहाँ पर किया है, और जैसा अभी आदरणीय भाभी बता रही थी कि बहुत डॉक्टर का जीवन बड़ा कठिन रहता है, इनकी पार्टिसिपेशन, इनकी हिस्सेदारी बच्चों की है, जितने कमिटमेंट के साथ काम करेंगे पेशेंट उतना खुश होकर, क्योंकि आधी बीमारी तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों के व्यवहार से ठीक होती है, आधी इलाज से ठीक होती है। तो इनका व्यवहार, आपका डायग्नोसिस, दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो स्वाभाविक रूप से पेशेंट को बहुत लाभ होगा। मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूं आपको, मरीज आपके यहाँ स्वस्थ होकर जाए, पूरा उसका बेहतर इलाज हो, संसाधन आपने उपलब्ध कराए हैं, आपके डायलिसिस मशीन है, कार्डिक केयर आपने चालू किया, और गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट, स्वाभाविक रूप से यहाँ बड़ी, क्योंकि रात के समय या कभी भी कोई इस तरह की इमरजेंसी रहती थी तो शहर के अंदर उस चीज को भी आप पूरा करेंगे। मैं बहुत क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका पूरे पूरे इस यूनिट को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से हमने लाइफलाइन हॉस्पिटल की शुरुआत की है। इस हॉस्पिटल को हमने 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने का स्टार्ट किया है, और ये है कि प्राथमिक उपचार, किसी भी प्रकार का प्राथमिक उपचार होगा तो हम यहाँ प्रदान करेंगे। जैसे कई पेशेंट्स आते हैं चेस्ट पेन के साथ, उनको यही नहीं पता रहता कि चेस्ट पेन किस कारण से हो रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ पे पेशेंट पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है, कार्डियक चेस्ट पेन है कि गैस के कारण हो रहा है कि किसके कारण चेस्ट पेन हो रहा है। तो और भी सारी सुविधाएं हम यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल में, इमरजेंसी सेवाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर की सेवाएं, डायलिसिस, जो कि गारियरवारा की बहुत बड़ी डिमांड थी, डायलिसिस यूनिट स्टार्ट किया हमने, पैथोलॉजी की बहुत सारी जांचें बाहर होती थी तो वो सारी जांचें हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं,
और भी सारी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे सभी आप लोगों के सहयोग से। ये रुझान तो आप ही लोग के सहयोग से बहुत अच्छा रुझान है लोगों का, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी आए हुए थे उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया, टाइम निकाल के आए यहाँ पे, और बाकी यहाँ के गणमान्य नागरिक, सभी गणमान्य नागरिक आए थे, सभी ने हमें आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी कि आप अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करिए, सारा गारवारा आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। खबर भारतवर्ष के लिए गारवारा से विजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।